ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के लिए है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड से हैं। आज आप लोग को फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के जो है 45 जो है ना वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। और आप सबको मालूम है कि आपका फिजिक्स का एग्जाम जो है 2 फरवरी 2023 को होने वाला है। इस एग्जाम के लिए ये सारे 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। आपको 45 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बतला रहे हैं। आप सबको मालूम है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो है ये सारे आपके यूनिट है। पहला यूनिट है विकिरण तथा द्रव्य की देव प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये सारे यूनिट जो है आप सबको मालूम है, ये सारे यूनिट जो देख रहे हो ये सारे यूनिट मॉडर्न फिजिक्स के हैं। और ये सारे यूनिट से 45 क्या करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे जो 2023 यानी 2 फरवरी 2023 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है, तो डायरेक्ट हमें आंसर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संबंध जो है आपका दिया हुआ है, में निम्नलिखित कौन एन का मान संभव नहीं है, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी 4.2 हो जाएगा। तो आंसर हम बता रहे हैं स्पीडली से, हम थोड़ा क्या करेंगे आज के वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे। अगला क्वेश्चन है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, ये भी क्वेश्चन 2021 बिहार बोर्ड में आया हुआ है, तो इनका आंसर हो जाएगा शून्य यानी ए हो जाएगा इनका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन चार आपके सामने दिया हुआ है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, ये भी क्वेश्चन 2019-2016 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो, तो 2017 बिहार बोर्ड में आया हुआ है, तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बतलाएंगे सारे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, 2016 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा दोनों यानी तरंग कण दोनों हो जाएगा। कैथोड किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय किरणें, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऋणावेशी कण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, 2021 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, ये भी क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ये क्वेश्चन 2020-2013 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा बामर श्रेणी। क्या हो जाएगा बामर श्रेणी। 1 mu बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻²⁷ kg यानी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी आवर्त भाग में नहीं पड़ती है, 2017 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा लाइमन श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ये भी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा A-Z यानी बी हो जाएगा। अर्ध आयुकाल आपका दिया हुआ है एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है, ठीक है, T1/2 एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है, 2022 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है, इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीलियम, हीलियम नाभिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, 2021 में आया हुआ, तो नाभिक के संलयन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्न में कौन सही है, 2021 में आया हुआ, तो ए, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका देख लीजिए, आपका दिया हुआ है एक्स ए जेड का अल्फा छह निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है, 2021 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। देख लीजिए ए, ऑप्शन आपका चार दिया हुआ है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, 2019-17 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा अर्धायु। अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ होगा, 2018 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा। छह गुणांक की SI इकाई है, तो इसका हो जाएगा कुछ नहीं, इन चारों में से ऑप्शन देख लीजिए, इन चारों ऑप्शन में से इनका राइट आंसर हो जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, तो आपको मालूम है कार्बन यानी ए डेंटिंग से ए हो जाएगा, इनका राइट आंसर। अगला है बी किरण, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, 2017-2016 में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसे महत्तम भेदन क्षमता है, 2016-2000 से आपका आया हुआ है, और इनका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें।
अगला क्वेश्चन आपका है, दशमिक संख्या आपका दिया हुआ है कि द्विधारी संख्या होती है, 2022 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। नैंड गेट का संकेत होता है, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। नॉर द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है, ये भी क्वेश्चन 2021, 2016, 2015 में आया हुआ है, इसका डी हो जाएगा। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा ये 2021, 2009 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्विआधारी संख्या आपका दिया हुआ है कि दशमिक संख्या होती है, 2021 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आपका है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, 2021 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, धनावेशित हो जाएगा। दशमिक संख्या 25 के द्विआधारी में लिखे, 2020-13 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, 2019-17 में आया हुआ है, तो इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, 2019-2015 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डॉप किया जाता है, 2018 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, गैलियम से हो जाएगा। ठीक है, डायोड का उपयोग करते हैं, एक कब 2017 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेक्टिफायर की तरह, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर की तरह हो जाएगा। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन बतलाएं वो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, जरूर कंप्लीट करना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है 2016-15 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई इतना मीटर है जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा हुआ, ये 2019-2017 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर हो जाएगा 56 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयाम मंडलन सूचकांक का मान होता है, 2019-2015-2010 में आया हुआ है, इसका हो जाएगा 1 तथा 1 के बीच। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कितने प्रकार का होता है, आप सबको मालूम है, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, 5 प्रकार का होता है। एंटीना होता है, आप सबको मालूम है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, इनका राइट आंसर बी और डी, यानी अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोधक और अनुनादी आवृत्ति के ऊपर प्रतिरोधक, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपका क्वेश्चन समाप्त, यानी आज की वीडियो में आप लोग को 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी मॉडर्न फिजिक्स का बतलाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो बाबू चैनल पर नए हो, बाबू से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।